Hit subscribe button for Tabla and Dholak lessons daily and tap the bell icon to get notified about latest videos. Hey everyone, this is Anuj back again from Shimla. Welcome to our channel. In this video, I'm going to be teaching you two patterns for ladies to play in Kirtans, Lady Sangeet and all. I'll use Hindi in this video so that everyone can understand. ये जो दो पैटर्न हैं बहुत इजी पैटर्न्स हैं एंड आप कह सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ यूनिवर्सल पैटर्न है, कहीं पे भी किसी भी सॉन्ग भजन के साथ किसी भी तरह के आप इन्हें प्ले कर सकते हैं. एक पैटर्न स्लो होगा, दूसरा पैटर्न फास्ट होगा. दोनों आपने कहीं ना कहीं किसी भजन या सॉन्ग के साथ सुने होंगे डेफिनेटली, बट आज ये पूरी वीडियो देखकर आप इन्हें बजा भी पाएंगे. आई एम 100% श्योर. मैं बहुत इजी टेक्निक से बताने वाला हूँ, बहुत आसानी से बताने वाला हूँ एंड पूरी वीडियो देखने के बाद आप जरूर ये पैटर्न्स बजा पाएंगे. आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो एंड आप मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये पैटर्न में आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम आ रही है, या मैंने प्रीवियस 5 लेसन्स बना चुका हूं मैं लेडीज के लिए, उनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सो दैट कि वो 5 लेसन्स भी आप प्रिपेयर करें एंड ये 6th वन भी आप प्रिपेयर कर लें. आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि क्या आपको दिक्कत आ रही है, क्या और एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं मुझसे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आई वॉन्ट टू नो कि मेरी ऑडियंस क्या चाहती है सो दैट कि मैं उनके लिए फिर उतनी ही अच्छी वीडियोज बना पाऊं. स्टार्ट करते हैं. पहला पैटर्न मैं आपको दिखाता हूं, आपने डेफिनेटली सुना होगा कहीं ना कहीं. पैटर्न है ये. कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसे और सिंपल करते हैं. देखिए हो क्या रहा है, बेस बजाया सबसे पहले यहां पे, इसको बेस बोलते हैं, इसको मदीन बोलते हैं, ठीक है. जो मोटी वाली साइड है ये बेस है, मैं इसकी बात कर रहा हूं. बेस बजाया सबसे पहले मदीन से एज पे, यहां बजाया. इतना क्लियर है. दो पार्ट में इसे डिवाइड कर लेते हैं. ये फर्स्ट पार्ट मान लो आप कि हाँ ये फर्स्ट पार्ट है, बेस बजाया, ये बजाया, राइट. सेकेंड हाफ जिसमें ये दो बार बजाना है, बेस दो बार बजाना है और ये एज इट इज जैसे हम पहले बजा रहे थे एक बार. तो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, क्लियर. अब ठीक है, इसी को कॉन्टिन्यूशन में बजाना है बार बार, मतलब कि ये बजाया, ये बजाया, फिर बेस बजाया दो बार, फिर ये बजाया, फिर एक बार, फिर यहां दो बार, फिर यहां. तो काफी सिंपल हो जाएगा अगर हम इसे कॉन्टिन्यूशन में बजाते रहेंगे. आई गेस अभी भी कंफ्यूजन हो सकती है आपको, इसलिए मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं थोड़ा स्लोली. बेस बजाया, मदीन बजाया, बेस दो बार बजाया, मदीन एक बार बजाया. ओके, दिखा दूं मैं अगर आपको, ठीक. पर इसको लय में बजाना है हमने, लय में मतलब एक साथ बजाना है, जैसे कि ये चीज पकड़िए आप, ओके. इस चीज को पकड़ने की ट्राई कीजिए. मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, ढोलक लेके बैठिए एंड मेरे साथ बजाने की ट्राई कीजिए. बेस बजाया एक बार, मदीन बजाया एक बार, बेस बार दो बार बजाया, उसके बाद मदीन दोबारा एक बार बजाया. तो इसको बजाने का तरीका, ओके. चलिए इसे कॉन्टिन्यूशन में बजाते हैं. राइट, तो बहुत यूजफुल है देखिए. एंड मैं यूनिवर्सल क्यों बोल रहा था, इस पैटर्न किसी भी भजन किसी भी तरह के सॉन्ग के साथ आप इसे बजा सकते हैं. देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर फीमेल्स,
राइट मैं रिकमेंड कर रहा हूँ ये पैटर्न ओनली फीमेल्स के लिए है, बिकॉज मेल्स के लिए हम इसको थोड़ा सा और ब्यूटीफाई करके इसको दुगुन बढ़िया तरीके से बजाते हैं, फिर हम इसे बेस में इस तरह से और काफी चीजें इसमें ऐड करते हैं, अगर आप चाहें वो भी मैं दिखा सकता हूँ। ये काफी एडवांस्ड हो जाता है इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ सिर्फ फीमेल ढोलक प्लेयर्स के लिए, प्रैक्टिस कीजिए आप इसे बहुत इजीली बजा पाएंगे। चलिए बात करते हैं सेकंड पैटर्न की जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लो है तो ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे यूज कर सकते हैं। ऑफकोर्स कोई स्लो सॉन्ग हो, ओल्ड सॉन्ग ज्यादातर इस बीट में होते हैं और भजन स्लो भजन में ऑफकोर्स इसे बजा सकते हैं। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ कि एक्चुअली में ये पैटर्न है क्या, लेटर ऑन फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं कि इसे बजाना किस तरह से। देखिए काफी इजी है, अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूं तो किस तरह से ये पैटर्न बजेगा, देखिए मरीन साइड बेस साइड दोनों साथ में, बेस में मैं स्लैप वही फिंगर्स यूज कर रहे हैं, ओपन साउंड चाहिए हमें, इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है बेस में तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, ओपन साउंड ओपन से याद रखिए, जिसमें हमने फिंगर्स से प्ले करना है ऐसे तो ओपन साउंड आएगी बेस, और साथ में एट द सेम टाइम बिल्कुल साथ में ये भी, तो दोनों साथ में बजाएंगे। इतना क्लियर है पहला, ये हमारा पूरा पैटर्न है, पहली मात्रा फिर ये मिडिल साइड बेस में स्लैप बट क्लोज, ये पाम यूज करना है बिल्कुल सेंटर में तब हमें ऐसी क्लोज आएगी, ये वाली नहीं चाहिए इस बार हमें, ये वाली हमने सबसे पहले में ओपन फिर मिडिल साइड फिर बेस में स्लैप बंद और फिर दोबारा ये, इतना क्लियर है ओके। उसके बाद दोबारा बेस, ये लास्ट ओपन एंड मदीन साइड, दोबारा से देखते हैं पूरा पैटर्न, अगर मैं इसे बोल वाइज बताऊं तो इसके बोल बनते हैं धिन टके ता के ता दे ता, धिन टके ता के ता दे ता, जिसमें बेस में ओपन और यहां मदीन में बजाएंगे तो साथ में जब बजाएंगे ने तब बनता है धिन 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 ता ता, मैं बोल रहा हूं जिसमें मदीन ओनली मदीन बजा रहे हैं, धिन ता के के बेस में स्लैप होती है जो पाम से बजती है और जिसमें ऐसी क्लोज साउंड आती है, धिन टक के ता के ता दे ता, गे वो है जो बेस में अकेला ओपन बजता है बट के क्लोज गे ओपन के क्लोज गे ओपन, पूरा पैटर्न देखते हैं, धिन टक के ता दे ता, धिन टक के ता के ता दे ता, ये कुछ पैटर्न्स थे, ये दो पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूजफुल पैटर्न्स है, ट्राई कीजिए प्रैक्टिस कीजिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम आए किसी भी तरह की आपको क्वेश्चन हो क्वेरी हो प्लीज कमेंट में मुझे पूछिए, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जरूर लाइक कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बहुत इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी फ्यूचर वीडियोस आप तक पहुंच सके और भी आगे ढोलक लेसन सीख सके ओके, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।